हेलो दोस्तों, सो फिल्म वुड प्रेजेंटिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ हॉलीवुड फिल्म ब्लैक स्नेक मून, जो रिलीज हुई थी ये 2006 में और जिसका IMDb रेटिंग है 6.9 आउट ऑफ 10। तो इस फिल्म में हम हवस की लपट में तड़प रही एक ऐसी लड़की को देखेंगे जो इतनी अशांत है कि उसके शरीरों को जंजीरों से बांध कर रखा जाता है। परंतु उसको बांधने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक एंड शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर से जरूर कर दें। सो लेट्स स्टार्ट द फिल्म विद फिल्मी वुड। तो मूवी स्टार्ट होता है और हमें रॉनी और रे को दिखाया जाता है, जो कि दबा के घपाघप कर रहे होते हैं और एक दूसरे के बदन पर चढ़कर अपने अपने लिंगों की तृष्णा को मिटा रहे होते हैं। रॉनी आज अपने जिस्म की सारी गर्मी को रे के बुंड में पेल देना चाहता है, क्योंकि रॉनी एक आर्मी सोल्जर है और उसे कल जाना होगा। तो रॉनी चाहता है कि वो रे की सारी वासना के सुख को आज ही दे दे। रॉनी ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि रे किसी और के गर्भगोद से अपने बुंड की आग को बुझाए। अब अगली मॉर्निंग में दिखाया जाता है कि रॉनी अपना बैग पैक कर रहा होता है, जिससे रे जरा भी खुश नहीं है। तब तक रॉनी को अचानक एक पैनिक अटैक आता है, लेकिन रे उसे संभाल लेती है। अक्सर रॉनी को एक पैनिक अटैक आते रहता है जब रे उसके पीठ पर लेट कर उसके नुन्नू को सहला देती है, तो रॉनी को बेहिसाब आराम और आनंद मिलता है। अब हमें आगे दिखाया जाता है कि रॉनी जा रहा होता है, तभी उदास रे कहती है कि ना जा रे पिया ना जा, अब कौन मेरे बुंड को पेलेगा, कौन मेरे संतरों को चूसेगा, कौन मेरे संतरों से खेलेगा। और ये कहकर रे रोने लगती है। फिर रॉनी रे को शांत करता है और उसे एक वॉच देता है और सेम वॉच खुद भी पहनता है और कहता है कि ये दोनों वॉच जब एक साथ बीप करेंगे तो हम दोनों एक दूसरे से दूर होकर भी एक दूसरे के पास महसूस करेंगे। फिर रॉनी अपने फ्रेंड गिल के साथ उसके कार में बैठकर चला जाता है। रॉनी के जाते ही रे पूरी तरीके से सुध-बुध खोकर जमीन पर लेट जाती है और बुरी तरह से फूट फूट कर रोने लगती है। और जब रॉनी की कार पूरी तरीके से चली जाती है, तब अचानक रे के शरीर से एक बिजली निकलती है और अगले ही पल वो एक काली आदित्य के साथ ले धक्का अपना बुंड पेलवाती है और संभोग के आनंद में तड़पते रहती है। तब हम लोग सोचते हैं कि वो भी बन रही थी खूब प्रतिवर्ता और अगले ही पल ज्वालामुखी फटा तेरे बुंड से मछली जैसे तड़प रही और पहलवा रही हाथी के सुंड से ले धक्का। फिर आगे हम देखते हैं कि रे अपने पिछवाड़े को लचकाते हुए कहीं जा रही होती है। फिर उसको अचानक से उसकी मॉम दिख जाती है और यहाँ रे खांसने लगती है, जिस पर उसकी मॉम कहती है कि कफ ड्रॉप लेगी या कॉन्डम्स, जिससे हमें पता चलता है कि रे की मॉम को भी रे के इन गंदे गंदे कारनामों का पता है। पर रे अपनी मॉम से बात नहीं करती और मुस्कुरा कर चली जाती है। आगे मूवी में हम एक लेज नाम के गिटारिस्ट को देखते हैं, जो अपने दोस्त भोंदू से कह रहा होता है कि उसने नशे में भी कभी अपनी पत्नी पर हाथ नहीं उठाया, कभी उसके साथ बदतमीजी नहीं की, लेकिन उसकी वाइफ गुलाबो उसको डाइवोर्स देना चाहती है क्योंकि गुलाबो को उसके ही भाई सुखाड़ी से प्यार हो गया है। फिर वो लेज आखिरी बार अपनी वाइफ से मिलने जाता है और उसे बोलता है कि प्लीज उसके साथ ऐसा ना करे, लेकिन गुलाबो उसे बताती है कि उसका नुन्नू छोटा है। गुलाबो देवी को अपनी हवस को मिटाने के लिए लेज को डाइवोर्स देना ही होगा। फिर लेज हारे मन से अपने घर आ जाता है। फिर ईर्ष्या की आग में जल रहे लेज की नज़र उसके आंगन में लगे गुलाब के पौधों पर पड़ता है, जिससे लेज उसकी हवसी पत्नी गुलाबो को याद कर लेता है। और तब लेज अपने ट्रैक्टर से सारे गुलाबों को कुचल देता है और रोते हुए कहता है कि गुलाब जामुन सा मुँह था तेरा, होठ जैसे बेलग्रामी, तू सिर्फ पिलवाने के लिए मुझे छोड़ दी, रंडी की बेटी महाहरामी। और ये पवित्र वाक्य को कहने के बाद लेज को आत्म शांति मिलती है। दूसरी तरफ हमें छिपकली रे को दिखाया जाता है, जो एक पार्टी में जाती है जहाँ वह खूब शराब पीती है और उसे वहाँ जो भी मर्द दिखता है उसके सब दबा के सहवास करती है। और तभी रॉनी का वॉच बीप करने लगता है। तब रॉनी को यह लगता है कि रे भी उसे याद कर रही होगी, पर वो ये नहीं जानता कि रे तो यहाँ रॉनी के याद में अपनी बुंड का बटूरा बनवा रही है। तभी हमारी छिपकली रे के पास रॉनी का फ्रेंड गिल आता है और फिर रे और गिल दोनों गाड़ी में जाते हैं, जहाँ गिल अपना गड़गोच रे के बुंड में पेलने वाला ही होता है। तभी रे कहती है, छी तुम्हारा गड़गोच तो रॉनी के आधा भी नहीं है। फिर जब गिल ये सुनता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में वो रे को खूब मारता पीटता है। वो रे को तब तक मारता है जब तक रे बेहोश नहीं हो जाती। जब रे बेहोश हो जाती है तब वो उसे मरा हुआ सोचकर उसे कार से बाहर फेंक कर वहाँ से चला जाता है। अगली मॉर्निंग जब हमारा सख्त लौंडा लेज अपनी एक्स वाइफ गुलाबों की पैंटी ब्रा को डस्टबिन में डाल रहा होता है, तब उसे रोड पर हमारी छिपकली रे खून से लथपथ पड़ी दिखती है। जब ले ये देखता है तो वो छिपकली रे को उठाकर अपने घर में ले आता है।
आता है। जब ले रे को होश में लाने की कोशिश कर रहा होता है, तब रे लेज को वही कालिया दैत्य समझती है जिससे वो पहले अपना हारमोनियम बजवा चुकी है। जब रे लेज से लिपटना चाहती है, तब अपना सख्त लौंडा लेज कहता है कि अरे मेरे ऊपर रहम का, मैं वो कालिया दैत्य नहीं हूँ। पर लेज जानता है कि वो कालिया दैत्य कौन है। फिर लेज रे के लिए मेडिसिन लाने के लिए मेडिकल स्टोर जाता है। जब लेज मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लेकर वापस आता है, तो हम देखते हैं कि रे बेहोश पड़ी होती है। और जब अपना सख्त लौंडा उसे जगाता है, तो वो छिपकली लेज को जबरदस्ती चूमने और चाटने लगती है। लेकिन अपना लेज तो ठहरा सख्त लौंडा, वो तुरंत रे को खुद से दूर करता है और घर से बाहर भाग जाता है और सोचता है कि मैं कैसी नंगी धड़ंगी को अपने घर ले आया। फिर वो अपने फ्रिज से कुछ बहुत सारा बर्फ निकालता है और उसे टब में डाल देता है। और फिर वह रे को गोद में लेकर जाता है और उसे टब में ला के पटक देता है और बोलता है, ले साली बुझा ले अपनी बुंड की गर्मी को, हो जा ठंड। जब लेज एक दिन उस कालिया दैत्य से मिलने जाता है, तब उसे पता चलता है कि उस लड़की का नाम रे है, जो एक बहुत बड़ी सेक्स एडिक्टेड है। वो हमेशा मर्दों से पिलवाने के फिराक में रहती है और मौका पाते ही उनका शिकार कर देती है। हम अगले सीन में देखते हैं कि रे लेज के घर से भाग रही होती है। तभी लेज रे को पकड़ लेता है और उसे अपने घर ले आता है। और तब रे लेज से भीख मांगती है कि कृपया मेरी बिंड को पेल दो, मेरे साथ कृपा करके संभोग करो, प्लीज सहवास कर लो। पर अपना लेज तो सख्त लौंडा के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी है। वो रे को बोलता है कि चाहे जो भी हो, मैं तुम्हारे बुंड में नहीं पेलूंगा, और उसे लोरी गा के सुला देता है। फिर लेज प्रतिज्ञा लेता है कि वो अब रे की सेक्स एडिक्शन को दूर करके ही रहेगा। और वो अब एक मोटी लोहे के जंजीर को लाता है और उससे रे को बांध देता है। जब अगली सुबह रे उठती है, तो खुद को एक मोटी और लंबी जंजीर में बंधा पाती है। वो ये सब देख के चौंक जाती है और लेज से पूछती है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है, तुमने मुझे क्यों बांध रखा है। तब जिस पर लेज कहता है कि उसने उसे हाथ तक नहीं लगाया है, तुम बहुत बीमार हो, मैं बस तुम्हारा इलाज करना चाहता हूँ। तब रे कहती है कि अब मैं अपने पैर पर खड़ी हूँ, मैं चल सकती हूँ, मुझे जाने दो। जिस पर लेज कहता है कि नहीं, तुम बाहर जाकर वही गंदे काम करोगी, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। जिस पर रे लेज को धक्का मार के भागने लगती है, पर चेन बहुत मजबूत होता है और लेज रे को पकड़ लेता है। फिर लेज रे को खाना खिलाता है और कई बार लेज ले को अपनी कामुकता भरी बदन दिखाकर सेड्यूस करना चाहती है। पर अपना लेज ठहरा सख्त लौंडा, उसका गरगोश खड़ा ही नहीं होता और रे हमेशा अपने प्रयासों में असफल रह जाती है। एक दिन जब लेज कुछ शॉपिंग करने मार्केट गया होता है, तब उसी वक्त लेज के घर पर एक टीनेज बॉय सुरेश आता है और वो लेज को घर के बाहर से ही आवाज देता है। रे चौकन्ना हो जाती है और सुरेश को अपने हवस का शिकार बनाना चाहती है। जैसे ही सुरेश घर के अंदर घुसता है, रे उस पर झपट पड़ती है और उसके गड़गोश को दबा के अपने बुंड में पिलवाती है। जब लेज घर के अंदर आता है, तो सुरेश को हारमोनियम को बजाते देखता है और वो लड़के को घर से बाहर फेंक देता है और बहुत मारता है। पर बाद में उसे पछतावा होता है कि इस लड़के की कोई गलती नहीं होती, इस साली ने ही तंग करके रख दिया होगा कि मुझे पेल दे, मुझे पेल दे। तभी वहाँ लेज का दोस्त भोंदू दास भी आता है, जिस पर लेज सोचता है कि सारी मुसीबतें आज ही क्यों आ रही हैं। फिर लेज का दोस्त उससे कहता है कि चलो घर के अंदर चलते हैं। तब वो अपने दोस्त को कहता है कि वहीं खड़ा रहने तो गोली मार दूंगा। तब भोंदू दास कहता है कि तू अपने भाई को गोली मारेगा? वो अपने उस दोस्त को गोली मारेगा जिसके साथ मुठ मारना सीखा है, अगर हिम्मत है तो मार दे गोली। जिस पर लेज इमोशनल हो जाता है और भोंदू को कहता है, यार घर के अंदर एक हवस की भूखी अधरंगी लड़की है, वो उस रोड पर गिरी मिली थी। उसका दोस्त भोंदू कहता है, क्या नंगी लड़की रोड पर गिरी मिली थी? ये साली, ये क्या कोई ट्रॉफी थी जो रोड पर गिरी मिली और घर पर ले आया? तब उसे लेज सब कुछ बता देता है कि वो लड़की एक सेक्स एडिक्टेड है और उसे सुधारना चाहता है। जिस पर भोंदू कहता है, चलो मैं भी उसे सुधारूंगा, चलो दोनों भाई मिलकर सुधारते हैं। तब लेज कहता है कि तू ही घर के अंदर जाके देख ले कि सुधारने लायक भी है या नहीं। दूसरी ओर रोनी आर्मी से वापस घर आ गया होता है, तब वो रे को ढूंढते फिरता है। जब उसे रे नहीं मिलती है, तो अपने दोस्त गिल से उसके बारे में पूछने जाता है, तो गिल कहता है कि भाग गई होगी साली कहीं अपना बुंड मरवाने, वो तो कॉलेज में भी ऐसी मरवाते फिरती थी, भूल जाओ रोनी तू उसे। ये सब सुनने के बाद रोनी को काफी गुस्सा आता है और अपने दोस्त गिल को खूब पीटता है। आगे हम रे को एक अच्छे ड्रेस में एक शॉपिंग मॉल में देखते हैं, जहां उसे उसकी मॉम मिलती है। वो अपनी मॉम से बातें करने लगती है। फिर रे की मॉम रे से पूछती है, अबे बुंड पेलवाती हो या पेलना पेलवाना छोड़ दी? जिस पर रे कहती है कि मेरी ये हालत तुम्हारे कारण ही हुई है, जब स्टेप फादर मेरे साथ रेप कर रहे थे तब तुम वहीं थी पर मुझे बचाई तक नहीं। और इसी बात पर वे दोनों झगड़ने लगते हैं। फिर वहाँ लेज आ जाता है और रे को अपनी गोदी में उठाकर वहाँ से ले जाता है। तो अब हमें पता चलता है कि रे को गंदे सपने इसीलिए आते हैं क्योंकि उसके स्टेप फादर ने उसके साथ बचपन में बलात्कार किया था, जिसकी वजह से वो सेक्स एडिक्टेड हो गई थी। आगे हम देखते हैं, जब लेज रे को गिटार बजाना सिखा रहा होता है, तभी वहाँ रोनी आ जाता है और वो सोचता है कि रे इस बुड्ढे के साथ पेलम पेली खेलकर बुंड बजवा रही है। तब वो रे को उल्टा, कुलक्षणी, वैश्य आदि गालियां देने लगता है। फिर लेज रोनी को शांत करता है और बोलता है कि भैया देखिए, हम सख्त लौंडा हैं, साथ साथ नामर्द भी हैं, हमने कुछ नहीं किया है भाई, आपके मालिक हैं।
फिर लेज रॉनी को रे के चाइल्डहुड सेक्सुअल ट्रॉमा के बारे में बताता है और यही बोलता है कि वो आपकी श्रीमती जी पूर्ण रूप से सुधर भी गई। जब रॉनी लेज की बातें समझ जाता है तब लेज रॉनी और रे की शादी करा देता है। फिर मूवी के एंड में हमें रॉनी और रे को ड्राइव पर दिखाया जाता है, तभी रे की शरीर से वही बिजली निकलती है और रॉनी को भी पैनिक अटैक आने लगते हैं, पर इस बार रे अपने आप पर कंट्रोल कर लेती है और वो रॉनी को भी रिलीफ दे देती है और इस तरह मूवी का एंड हो जाता है। सो डियर, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को जरूर से जरूर और जल्दी से जल्दी प्रेस कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आगे कौन सी मूवी की सील तोड़नी है या रगड़म रगड़ाई करनी है। फिर मिलेंगे जिंदगी किसी नए मोड़ पर, तब तक के लिए गुड बाय।